हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, ये अपॉर्चुनिटी हमारे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली के प्रोजेक्ट 39A इक्वल जस्टिस इक्वल अपॉर्चुनिटी के अंडर में निकाली गई है, जिसमें हमें कंसल्टेंट की पोजीशन ऑफर करी जा रही है। और ये एडवर्टाइजमेंट नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली की ऑफिशियल वेबसाइट पे और हमारे प्रोजेक्ट 39A की ऑफिशियल वेबसाइट पे पब्लिश किया गया ऑन February 1st, 2024 को। इस एडवर्टाइजमेंट की हर एक डिटेल आपके साथ शेयर करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में आप सभी कैंडिडेट्स को देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है, ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में अगर आप चाहते हैं इंडिया में आने वाली हर एक अपॉर्चुनिटी के बारे में आपको टाइमली अपडेट मिलती रहे, चाहे वो आपकी इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी हो, चाहे कोई जुडिशरी की अपॉर्चुनिटी हो, चाहे कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी के बारे में हो, या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू की वैकेंसी हो, या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए निकाली गई कोई इंपैनलमेंट की वैकेंसी हो, इट मींस ऑल ओवर इंडिया में हमारे लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप सभी कैंडिडेट्स को इस चैनल पे टाइमली अपडेट प्रोवाइड कराई जाएंगी, ताकि आप सभी लोग टाइमली इन रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस का पार्ट बन पाए और जल्दी से जल्दी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाए। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए, ताकि उससे इस चैनल पे हर एक दिन आने वाली एक लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट उससे मिस आउट ना हो। अब हम इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। प्रोजेक्ट 39A ने इस पूरे एडवर्टाइजमेंट में हमें जो डेजिग्नेशन ऑफर करी है, वो हमें कंसल्टेंट की डेजिग्नेशन ऑफर करी है हमारे रिसर्च के लिए। साथ ही साथ इसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसी निकाली गई है, वो सिर्फ एक वैकेंसी निकाली गई है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज में इन्होंने क्लियरली मेंशन कराया कि आपको प्रोजेक्ट 39A के रिसर्च प्रोजेक्ट्स में कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, आपको उनको डेवलप करना पड़ेगा, साथ ही साथ आपको उन्हें इंप्लीमेंट भी करना पड़ेगा। इन्होंने और हमें बोला है रिस्पॉन्सिबिलिटीज में कि आपको फील्ड वर्क भी करना पड़ सकता है रिस्पेक्टिव प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग। साथ ही इन्होंने क्लियरली मेंशन कराया कि आपको सेंट्रल एजेंसीज और स्टेट एजेंसीज के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एंगेज होना पड़ेगा फॉर इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के रिगार्डिंग। साथ में इन्होंने बोला है कि आपको प्रोजेक्ट 39A के एप्रोप्रिएट फोरा को प्रेजेंट करना पड़ेगा। साथ में इन्होंने बोला है कि आपको पार्टिसिपेट और कंट्रीब्यूट दोनों करना पड़ेगा प्रोजेक्ट 39A के ओवरऑल वर्क में। तो ये सारी चीजें इन्होंने हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज में बताया है। अब बात कर लेते हैं हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में इन्होंने मेंशन करा है कि अगर आप एक LLB ग्रेजुएट है, इररिस्पेक्टिव आपने 3 ईयर का LLB कोर्स कराए या फिर 5 ईयर का BA LLB का इंटीग्रेटेड कोर्स, अगर आप एक LLB ग्रेजुएट है तो आप प्रोजेक्ट 39A के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को मैच करते हैं। साथ ही साथ इन्होंने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में ही आपको मेंशन करा है कि आप फैमिलियर होने चाहिए क्रिमिनल लॉस के रिगार्डिंग, इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के रिगार्डिंग। अब बात कर लेते हैं एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट आपको 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं, यानी आपको 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस हो चुका है, तो आप इनके लिए एक डिजायर्ड कैंडिडेट है। साथ ही साथ इन्होंने इस लाइन के अंदर हमें प्रेफरेबल लिखा हुआ है, यानी कि इन्होंने मैंडेटरी एक्सपीरियंस नहीं रखा है, यानी हमारे फ्रेशर भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं अगर उनकी नॉलेज क्रिमिनल लॉ में अच्छी है तो। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज आनी चाहिए और आप प्रोफिशियंट होने चाहिए किसी भी एक इंडियन लैंग्वेज में। अब बात कर लेते हैं हम लोग रेम्यूनरेशन के बारे में। रेम्यूनरेशन में इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपको प्रोजेक्ट 39A जो रेम्यूनरेशन प्रोवाइड कराएगा, वो आपके क्वालिफिकेशन यानी आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बेसिस पे और आपके एक्सपीरियंस को मिला के आपके रेम्यूनरेशन को तैयार करेगा प्रोजेक्ट 39A। इन्होंने आपकी सैलरी क्लियरली नहीं बताई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। इन्होंने इस एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि आपका कोई भी एग्जाम कंडक्ट नहीं कराएगा प्रोजेक्ट 39A, डायरेक्टली आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म के बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए, यानी आपका इसमें डायरेक्टली इंटरव्यू होगा। साथ ही साथ इसमें आपके लिए कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं रखी गई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि हमें इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का कैसे पार्ट बनना है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको पहला लिंक अवेलेबल है, आप उस पर क्लिक करेंगे, आपके स्क्रीन पे ये पूरा एडवर्टाइजमेंट खुल के आ जाएगा। ऐसे ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको सेकेंड लिंक अवेलेबल है, आप उस पर क्लिक करेंगे, आप डायरेक्टली प्रोजेक्ट 39A की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे, जहां पे आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं।
आपको उस फॉर्म में अपना अपडेटेड रिज्यूमे और आपको एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस विद इन 750 वर्ड्स के अंडर में आपको लिख के इनके पोर्टल पे अपलोड करना है, और आपको मेक श्योर करना है कि आप ये सारी चीजें बिफोर 15th of February 2024 इनके पोर्टल पे अपलोड कर दे, तभी आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। साथ ही साथ इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में एक चीज और क्लियरली मेंशन करी है कि हमारे जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे उनको विद इन 6 वीक यानी 1.5 महीने के अंदर में उनको एक मेल आ जाएगा नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली के द्वारा या फिर प्रोजेक्ट 39A के द्वारा। अगर आपको 1.5 महीने के अंदर में ये मेल प्राप्त नहीं होता, इट मींस आप शॉर्टलिस्ट नहीं हुए हैं। आपको कोई भी इन्हें पर्सनलाइज्ड मेल करने की जरूरत नहीं है कि आप शॉर्टलिस्ट हुए हैं या नहीं, क्योंकि इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि प्रोजेक्ट 39A आपके ईमेल का कोई भी जवाब नहीं देगा, तो आपको इंडिविजुअल क्वेरीज इनसे पूछने की जरूरत नहीं है। तो ये सारी चीजें हमें इस एडवर्टाइजमेंट में बताई गई थी। साथ ही साथ इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि ये जो आपकी जॉब है ये आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की जॉब है। बाकी यही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें इस एडवर्टाइजमेंट में प्रोवाइड कराई गई थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही हर एक दिन आपको एक लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिलती रहे तो आप मेक श्योर करिएगा कि आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करें ना जाएं। थैंक यू सो मच।